नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथिगन भाई एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 15 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन देखेंगे जो SSC में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन वन है, निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हम एक विषम को बताना है, मतलब कौन सा अलग है। इन तीनों में एक पैटर्न लग रहा है और चौथे में कोई नहीं लग रहा, तो वो हमें बताना है किस में नहीं लग रहा। तो दोस्तों, क्या पैटर्न लग रहा है? ऑप्शन ए है, 12 से 156 मिल रहा है हमें। तो 12 से 156 कम मिलता है। इन क्वेश्चनों को आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी बनाने की कोशिश करें, आपको कितना आता है। तो कैसे होगा दोस्तों, 12 से 156 कम मिलता है? जब हम 12 का स्क्वायर करते हैं और उसमें 12 जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है? 156, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144 और उसमें 12 जोड़ते हैं 156। इसी प्रकार 13 का वर्ग करते हैं और उसमें 13 जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलता है? 182। 13 का वर्ग होता है 169 और 13 182। इसी प्रकार 14 का वर्ग करते हैं और उसमें 14 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 14 का वर्ग होता है 196 और उसमें 14 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 210। तो इस तरह से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, स्क्वायर करके अगली वाली संख्या का स्क्वायर करके उसमें वही संख्या जोड़ देते हैं तो राइट साइड वाली संख्या मिल जाती है। लेकिन ऑप्शन डी है, इसमें क्या हो रहा है, 15 का वर्ग करते हैं 225 आता है और उस 225 में 15 जोड़ेंगे तो 240 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है? 230। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन दो। क्वेश्चन दो है, निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो ऑप्शन ए में एक संख्या दे रखी है, 16, 14, 6, 16,146, ये एक संख्या दे रखी है। ऑप्शन बी है 15,135, ऑप्शन सी है 19,171, ऑप्शन डी है 14,126। तो इनमें बताने विषम कौन सा है? तो दोस्तों, इन सभी का हम योग करके देखते हैं। इन सभी का योग करके देखते हैं तो फर्स्ट का योग कितना आएगा? 6, 4, 10, 1, 11 और 6, 17, 1, 18, ऊपर कितना आ रहा है? 18। फिर दूसरे का देखते हैं कितना आ रहा है, पीछे से योग करते हैं, 5, 3, 8, 1, 9, 5, 14, 1, 15। इसी प्रकार ऑप्शन सी का योग करते हैं, 1, 7, 8, 1, 9, 9, 9, 18, 1, 19। इसी प्रकार ऑप्शन डी का करते हैं, 6, 2, 8, 1, 9, 4, 13, 1, 14। इस तरह से इन सभी का योग आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो 19 आ रहा है वो अभाज्य संख्या है योग, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह से ये इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन तीन, निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो ऑप्शन ए है 123, 234, 567, 890। तो दोस्तों, इसमें एक विषम कौन सा है? तो विषम की बात करते हैं तो इन सभी का योग करके देखते हैं। तो ऑप्शन ए का योग कितना आएगा? 3, 2, 5, 1, 6। ऑप्शन बी का योग कितना आएगा? 4, 3, 7 और 2, 9। ऑप्शन सी का योग आएगा 7, 6, 13 और 5, 18 और ऑप्शन डी का योग कितना आएगा? 17। तो दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन है ये 3 से विभाज्य हैं और जो ऑप्शन डी है वो 17 है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो इस कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि अलग है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन चार। क्वेश्चन चार है, निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है 46, बी है 64, सी है 33, डी है 55। तो दोस्तों, यहाँ अलग कौन सा है ये हमें बताना है। तो एक बार गौर से देखेंगे तो जो 46 है तो इन दोनों को अंकों को जोड़ते हैं तो 4 + 6 हमें कितना मिलता है? 10। इसी प्रकार 6 + 4 को जोड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है, इनको जोड़ते हैं कितना आता है? 10। तीसरा ऑप्शन है 33, 3 + 3 जोड़ते हैं कितना आता है? 6। और चौथा ऑप्शन है 5 + 5 जोड़ते हैं कितना आता है? 10। तो दोस्तों, ऑप्शन तीन को छोड़कर सभी का अंकों का योग कितना आ रहा है? 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है 6 और बाकी में सभी अंकों का योग कितना आ रहा है? 10।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो ऑप्शन ए है 135, बी है 357, सी है 246, डी है 579। तो इसमें क्या करना है, इन सभी में अंकों का योग ही करते हैं। तो 135 में अंकों का योग करेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 1 9। 357 में करते हैं 7 5 12 3 15। 246 में करते हैं तो कितना आएगा, 12। और 579 में करते हैं तो 21। इस तरह से ये अंकों का योग आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये सभी अंकों का योग आ रहा है दो अंकों में, और ये ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा क्योंकि ये एक अंक में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा क्योंकि 3 का भाग तो सभी में जा रहा है, ये लॉजिक नहीं रहेगा। लॉजिक क्या रहेगा, एक अंक वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे, 57 46 51 68। तो विषम कौन सा है, तो 57 को हम देखते हैं दोस्तों, 57 को हम देखते हैं तो इन दोनों का अंकों का अंतर देखते हैं, 7 में से 5 घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2। इनमें अंतर करना है तो कितना अंतर आएगा, 2। इसी प्रकार 6 में से 4 घटाते हैं कितना अंतर आएगा, 2। फिर 5 में से 1 घटाते हैं कितना आएगा, 4। और 8 में से 6 घटाते हैं कितना आएगा, 2। तो दोस्तों ऑप्शन सी को छोड़ के सभी अंकों का अंतर लेते हैं तो कितना आ रहा है, 2। और ऑप्शन सी में कितना आ रहा है, 4। तो ये अलग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो ऑप्शन ए है 11 13 31 37 43 47 61 69। तो इसमें विषम कौन सा है ये हमें बताना है। तो 11 और 13 की बात करते हैं, तो 11 और 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और जो कि लगातार है। 11 के बाद कौन सी आएगी, लगातार 13। इसी प्रकार 31 के बाद कौन सी आएगी, 37, प्राइम नंबर। अगला ऑप्शन देखते हैं सी, तो इसमें भी 43 और 47 लगातार अभाज्य संख्या है। और ऑप्शन डी को देखते हैं दोस्तों, तो ये 61 और 69 है, 61 तो प्राइम नंबर है लेकिन 69 प्राइम नंबर नहीं है। तो इस कारण ये ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा क्योंकि ये अलग है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो दोस्तों ऑप्शन है 23-92-31-124-43-182-37-148। तो दोस्तों लेफ्ट वाली से हमें राइट वाली संख्या कैसे मिल रही है, ये पैटर्न हमें समझना है। तो 23 से 92 हमें कब मिलेगा, जब 23 को हम 4 से गुणा कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 92, 23 चौके 92। तो इसी प्रकार 31 को हम 4 से गुणा करके देखते हैं तो कितना आएगा, 4 का 4 4 3 12 124। तो ये हमें मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है। अब 43 को हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें 172 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना मिल रहा है, 182। अब एक बार डी और देख लेते हैं, 37 को 4 से गुणा करते हैं 148 ही हमें मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये अलग है। क्योंकि 43 को 4 से गुणा करते तो 172 मिलना चाहिए था, 182 मिल रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो ऑप्शन ए है 15 226 19 360 16 257 18 325। तो यहाँ लेफ्ट से राइट हमें कब कैसे मिल रहा है, जैसे 15 का हम स्क्वायर करते हैं, वर्क करते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 225 और 1 26। तो 226 हमें मिल जाता है राइट साइड वाला, स्क्वायर करके एक जोड़ देते हैं। इसी प्रकार 19 का स्क्वायर करेंगे 361 आता है, लेकिन उसमें एक जोड़ेंगे 362 मिलना चाहिए, हमें मिल रहा है 360, क्योंकि इसमें एक घटा रहे हैं। तो 19 का स्क्वायर -1 हो रहा है जब हमें 360 मिल रहा है।
ऑप्शन सी देखते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 257। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन बी को छोड़ के सभी में स्क्वायर में एक जुड़ रहा है, लेकिन बी में क्या हो रहा है, एक घट रहा है। तो ये बी क्या हो जाएगा, जैसे 18 का वर्ग करेंगे 324 में एक जोड़ेंगे 325, लेकिन यहाँ बी ऑप्शन है इसमें क्या हो रहा है, एक घट रहा है स्क्वायर करने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, अलग। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो 26 से 8 मिल रहा है 0,8, 52 से हमें 0,7 मिल रहा है, 42 से 0,8 मिल रहा है, 34 से 0,7 मिल रहा है। तो दोस्तों ये 26 से 0,8 कैसे मिलेगा, जब हम अंकों को जोड़ते हैं, 2 + 6 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 8, जिसे हम 0,8 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5 + 2 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 7, जिसे हम 0,7 लिखते थे। 4 + 2 को हम जोड़ते हैं तो हमें 6 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना मिला है, 8। तो ये हो जाएगा हमारा अलग। जैसे एक और देख लेते हैं ऑप्शन डी, 3 + 4 को हम जोड़ते हैं तो कितना मिलना चाहिए हमें, 7, जो कि 7 ही हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है, 4 + 2 = 6 होना चाहिए, यहाँ कितना है, 8। तो इस तरह से ये अलग हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो ऑप्शन ए है 46, 29, -21, 53, 44, 16, 19, 65, 21, 53, 42, 16। तो दोस्तों ये हमें क्या करते हैं, इसमें पैटर्न को समझते हैं। तो जो 46, 29 है, इनके सभी के अंकों को योग करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 21। फिर इसी प्रकार 53, 44 के अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 5, 3, 8, 4, 12, 4, 16। इसी प्रकार 19, 65 का अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 9, 1, 10, 6, 16, 5, 21। इसी प्रकार ऑप्शन डी है 53, 42 के अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 5, 3, 8, 4, 12, 2, 14। लेकिन हमें मिलना चाहिए 16, यहाँ कितना मिल रहा है, 14। तो ये क्या हो जाएगा, अलग। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 12। निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो 12 से 48 मिल रहा है, 6 से 30 मिल रहा है, 8 से 32 मिल रहा है, 14 से 56 मिल रहा है। तो ये कैसे मिल रहा है, जब हम 12 को 4 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 48। इसी प्रकार 6 को हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें 24 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ मिल रहा है कितना, 30। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन सी और डी को और देख लेते हैं। 8 को हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें 32 मिलता है, जो कि 32 मिल रहा है। और 14 को हम 4 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 56, जो कि 56 मिल रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि 6 को हम 4 से गुणा करते हैं, 24 मिलना चाहिए, यहाँ 30 मिल रहा है। तो ये अलग हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो ऑप्शन ए है 68, 196, 106, 216। तो ये 68 है, तो 68 है, 196, 106 और 216 है। तो दोस्तों यहाँ अलग कौन सा हो जाएगा हमारा, अंकों का योग देखते हैं तो 8 6 14, 9 6 15, 1 16, 6 1 7, 6 2 8, 1 9। तो दोस्तों इसमें एक अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 216 है ये क्या है, क्यूब है, ये हो जाएगा अलग हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए। तो 23, 37, 49, 59। तो दोस्तों ये आपको कुछ स्पेशल नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये जो 23 है एक अभाज्य संख्या है, 37 भी अभाज्य संख्या है, और 59 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 49 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, तो ये इसका अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 15, जो कि लास्ट है। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो 10, 56, 30, 130। तो दोस्तों इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, ये जो 10 हमें मिल रहा है तो ये कब मिलता है, जब 2 का क्यूब करते हैं और उसमें 2 ही जोड़ देते हैं, हमें कितना मिल जाता है, 10। इसी प्रकार हम 56 हमें कब मिलता है, जब हम 7 का वर्ग करते हैं और उसमें 7 जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 56। इसी प्रकार 30 हमें कब मिलता है, जब 3 का क्यूब करते हैं उसमें 3 जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 30।
और 130 कब मिलता है, जब 5 का क्यूब करते हैं उसमें 5 जोड़ देते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा 130। तो दोस्तों सभी में पैटर्न क्या लग रहा है, क्यूब करने के बाद उसमें वो ही संख्या जोड़ देते हैं तो हमें ये संख्या मिल जाती है। लेकिन ये ऑप्शन बी है, इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर में वो संख्या जोड़ते हैं जब ये 56 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी इसका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 56। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।